सात में से सिर्फ दो पार्टियां ही चुनाव आयोग के ईवीएम चैलेंज में हिस्सा लेने पहुंची। एनसीपी और सीपीआई ही इसमें शामिल हुई। आयोग ने इस चैलेंज के लिए 14 ईवीएम मशीनें रखी। ईवीएम पर सबसे ज्यादा सवालिया निशान लगाने वाली आम आदमी पार्टी ने इस चुनौती में हिस्सा नहीं लिया। कमीशन पहले ही साफ कर चुका है कि यह ईवीएम चैलेंज होगा, लेकिन इसे हैकाथॉन नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग ने इसके लिए नियम भी तय किए और पार्टी को 4 घंटे का वक्त दिया गया। चुनाव आयोग ने जिन 14 मशीनों का चुनाव किया, ये मशीनें पिछले दिनों हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई थी। देश में कुल 7 राष्ट्रीय और 65 क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इनमें से सिर्फ 2 नेशनल पार्टियों ने ईवीएम चैलेंज में शिरकत करने की मंजूरी दी। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव में शिरकत करने के लिए पत्र जरूर भेजा था, लेकिन ये तय वक्त के बाद चुनाव आयोग को मिला, लिहाजा आरजेडी इसमें हिस्सा नहीं ले पाई। खास बात यह है कि ईवीएम पर तमाम सवाल उठाने वाली आपने इस चैलेंज में हिस्सा नहीं लिया। आपने मदरबोर्ड बदलवाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कमीशन ने इस मांग को सिरे से ही खारिज कर दिया था। आयोग ने कहा था कि अगर मदरबोर्ड ही बदल दिया गया तो असली ईवीएम कैसे रहेगी। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर सवाल उठाने वाली बीएसपी, टीएमसी और कांग्रेस ने इस चुनौती में हिस्सा नहीं लिया। ईवीएम चैलेंज के लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ नियम बनाए। इनके मुताबिक मदरबोर्ड चेंज नहीं किए जा सकेंगे और न ही इसके इंटरनल सर्किट से छेड़छाड़ की जा सकेगी। ईवीएम को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा। चुनौती का वीडियो तैयार किया जाएगा और हर पार्टी 3 उम्मीदवारों को ही भेजेगी। बैकअप के लिए कमीशन ने कुछ ईवीएम अलग से मंगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईपीएन।